क्या आप भी अपने आधार कार्ड का वार कोड जनरेट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं? और आपको अपने आधार कार्ड का वार कोड डाउनलोड करना नहीं आता है, जनरेट करना नहीं आता है कि कैसे हम अपने आधार कार्ड के वार कोड को डाउनलोड करेंगे? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के वार कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे। सो आज मैं हूं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से कैसे आप अपने आधार कार्ड के वार कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रोसेस है जो हर इंसान को आना ही चाहिए, और अभी के टाइम में जो है आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता है। तो आपको अपना आधार कार्ड का वार कोड कैसे डाउनलोड करना है ये तो भैया आपको आना ही आना चाहिए। तो आपको अपने आधार कार्ड का वार कोड कैसे डाउनलोड करना है ये देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप समझेंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड के वार कोड को डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे शेयर करेंगे। अगर किसी भी पर्सन के पास शेयर करते हैं तो वो जो है आपके वार कोड को स्कैन करके आपके वार कोड में क्या है वो सारा कुछ आपकी डिटेल देख सकता है। तो कैसे आप अपने आधार कार्ड के वार कोड को डाउनलोड करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, ये सब देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आधार कार्ड का बार कोड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए एम आधार, तो इसको डाउनलोड करके बाद इसको ओपन करेंगे, यहाँ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आई कंसेंट देंगे और यहाँ पर देखिए कि आपका आधार है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो कर देगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक कीजिएगा। अब फाइनली देखिए कि आपके सामने में यहाँ पे आपका आधार जो है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब अपने आधार कार्ड का QR कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरेट QR कोड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आधार नंबर, इसका यहाँ पे आपको कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए आधार नंबर, ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर फिर से OTP आएगा, वो OTP आपको फिर से आपको यहाँ पर डाल देना। चलिए हम यहाँ पर OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो है आधार कार्ड का जनरेट होके आ जाता है। अब यहाँ से आपको किसी को शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ शेयर वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना व्हाट्सअप, ईमो, ट्विटर, जहाँ भी शेयर करना है आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ सिंपल प्रोसेस है अपने आधार कार्ड के वार कोड को जनरेट करने का। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, अब तो आप सीख ही लिए होंगे ये किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के वार कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको किसी भी पर्सन के पास आप कैसे शेयर करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।